ASUS की तरफ से एक लैपटॉप आता है जिसका नाम है VivoBook Flip 14 और ये मॉडल जो है 2020 में एक्चुअली में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी वो अवेलेबल फॉर सेल है और मुझे ये लैपटॉप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा कि इसी पर एक स्पेक्स पे चर्चा का एपिसोड बनाओ, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी ASUS VivoBook Flip 14 की स्पेक्स पे चर्चा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, स्पेक्स पे चर्चा वाली एपिसोड पे मैं बताता हूँ आपको तरह तरह के प्रोडक्ट जो भी नए लॉन्च हुए हैं उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में, और मैं उनका कंपैरिजन करता हूँ जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल उनके साथ, और बताता हूँ मैं फाइनली आपको कि क्या जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ वो वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है। हेलो गाइज, आई एम विशाल एंड वेलकम टू अनदर टेक्ज़ोनिकल वीडियो। तो अब शुरू करते हैं। नया इंट्रो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर बताना, और साथ में मैंने लोगो भी थोड़ा चेंज किया है जस्ट फॉर अ चेंज। पुराना मतलब थोड़ा सा बोरिंग हो चुका था तो मुझे लगा क्यों ना थोड़ा इंट्रो और लोगो को चेंज किया जाए, क्योंकि अब इस चैनल पर और भी चीज़ें मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। तो बिना देर के अब शुरू करते हैं। पहली बात जानते हैं कि ASUS VivoBook Flip 14 में आपको देखने को क्या मिलता है। मैंने एक पर्टिकुलर मॉडल को ही यहाँ पर पिक किया है जिसमें जो है i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है ASUS VivoBook Flip 14 के, जिसका मॉडल नंबर है TP470EA, आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। सबसे पहली बात करते हैं, इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है इंटेल का i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर, 1135G7 वाला मॉडल नंबर है प्रोसेसर का, जिसकी टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी 4.2 GHz तक की होती है। अगर आपको इसी 11th जनरेशन के प्रोसेसर बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मेरा एक वीडियो है, आप जाकर वो वाला भी चेकआउट कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं अब इसकी मेन मेमोरी की। मेन मेमोरी मतलब रैम। रैम लगी हुई 8GB की DDR4 वाली रैम लगी हुई है, और मजेदार बात क्या है कि इसमें बहुत ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की रैम लगाई हुई है इन्होंने, और मुझे लगता है इसका जो रैम लगा हुआ है वो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। इसको हम बाद में बात करेंगे जब इसका हम कंपैरिजन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम तीसरी बात जानते हैं, इसमें जो SSD लगी हुई है सेकेंडरी स्टोरेज जो आपकी परमानेंट स्टोरेज होगी वो है 512GB की NVMe टाइप की SSD है। अगर आपको SSDs वगैरह के बारे में भी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन देखनी है तो यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे मैंने वहाँ पर बता रखे हुए हैं कि इनकी टर्मिनोलॉजीज वगैरह क्या होती है। इसकी जो SSD है ना ASUS की पार्टिकुलरली वो काफ़ी फास्ट है, और इसमें आपको 2 से 3 GBPS तक का ट्रांसफ़र रेट देखने को ऑलमोस्ट मिल सकता है, जिससे आपको लैपटॉप को यूज़ करने में कोई भी समस्या खास नहीं होने वाली है। अगली बात हम करते हैं यहाँ पर ग्राफिक्स की। तो इंटेल के i5 11th जनरेशन में ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा कि आयरिस XE का ग्राफिक्स लगा हुआ होता है, जो कि ऑलमोस्ट 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक टाइप का है। लेकिन हाँ, ये NVIDIA के 1660 या 1650 Ti वो सब वाले ग्राफिक कार्ड से थोड़ा डाउन ही है, बहुत अच्छा नहीं है फिलहाल। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर आयरिस XE का ग्राफिक आपको देखने को मिल जाएगा इंटेल के 11th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में, वो काफ़ी यूनिक बना देता है। तो इसमें आप थोड़ा बहुत फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर या फिर कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहो तो बहुत ही हल्की फुल्की वहाँ पर कर सकते हो वीडियो एडिटिंग, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। अगली बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले टाइप की। डिस्प्ले यहाँ पर वही IPS लेवल का यहाँ पर डिस्प्ले पैनल लगा हुआ है, एक IPS ग्रेड का पैनल जो है उसमें आपको 178 डिग्री तक का वाइड व्यूइंग एंगल देखने को मिल जाता है। मुझे इस बात में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी कि इसमें IPS ग्रेड का पैनल है कि नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बहुत ही चेकआउट करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर IPS ग्रेड होता है। तो आपको कोई भी ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर IPS ग्रेड का पैनल है, और इसको भी हम कंपैरिजन पॉइंट्स में थोड़ा अच्छे से कंसिडर करने वाले हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि IPS ग्रेड का पैनल होने के बावजूद भी इसमें ग्लॉसी टाइप का जो है डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो आप अगर आउटडोर वगैरह में लैपटॉप को यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होने वाली है। साथ में ही जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस लेवल है वो ऑलमोस्ट 250 निट्स तक ही, तो बहुत ज़्यादा सुपर ब्राइटनेस है, 400 निट्स तक की ब्राइटनेस लेवल नहीं है। तो ये मान कर चलो कि आपको आउटडोर में ये बिल्कुल ही नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आउटडोर के लिए बना नहीं है पर्टिकुलरली, और इस बजट पे इससे ज़्यादा हम उम्मीद नहीं भी कर सकते हैं। अगली बात करते हैं हम वाईफाई के बारे में। वाईफाई इसमें लगा हुआ है वाईफाई 6, और हाँ AX स्टैंडर्ड को ये सपोर्ट करता है, तो वहाँ पर भी आपको कोई भी यहाँ कंप्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता है ASUS की तरफ से, और वही बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ASUS के काफ़ी लैपटॉप ना वैल्यू फॉर मनी होते हैं। लेकिन इसका भी कंपैरिजन हम करके देखेंगे कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना।
अगली बात करते हैं बैटरी और एडाप्टर की। जो बैटरी इसमें मिलती है आपको वो 42 वॉट आवर की बैटरी है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी बैटरी तो देखने को नहीं मिल रही है, जस्ट एक एवरेज सी बैटरी लाइफ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और साथ में जो पावर एडाप्टर मिलता है वो भी 45 वॉट का ही है, तो ऐसे बहुत ही फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड टाइप का पावर एडाप्टर तो नहीं है, लेकिन फिलहाल इस प्राइस पे इतना ही आपको मिल सकता है। इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशंस नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बैटरी ज़्यादा होती तो अच्छी बात होती। अगली बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। ASUS ने कोई भी कमी यहाँ भी नहीं छोड़ी है। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो थंडरबोल्ट 4 का जो है USB टाइप सी वाला सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब आप USB टाइप सी पोर्ट से ही USB 3 भी कनेक्ट कर सकते हो, और साथ में ही डेटा ट्रांसफर में आपको ज़्यादा स्पीड देखने को मिलेगी, और उसके साथ में पावर डिलीवरी का भी ऑप्शन है, तो आप चार्जर वगैरह USB टाइप सी से भी इस लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और साथ में आपको USB 3 जो नॉर्मल टाइप ए का होता है वो भी पोर्ट लगा हुआ है, USB 2 टाइप ए का पोर्ट भी लगा हुआ है, और साथ में आपको जो माइक्रोफोन जैक ऑडियो जैक वो सभी कुछ देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस सारे के सारे जितने होते हैं एक लैपटॉप में इसमें सभी कुछ है, कोई ऐसी कमी ASUS ने नहीं छोड़ी। और अब बात करते हैं सबसे आखिरी बात जो है कि एडिशनल बेनिफिट्स इसमें आपको क्या मिलता है। इसमें एक अच्छी बेनिफिट ये मिलती है आपको, साथ में आपको एक स्टाइलिश पेन मिलता है जो कि इंकिंग टाइप का पेन है। हाँ वो रिचार्जेबल वाला पेन नहीं, आपको इसे रिचार्ज नहीं कर सकते हो, लेकिन साथ में आपको AAA टाइप की बैटरी वगैरह मिल जाएगी, तो आप बैटरी फिट कर सकते हो उस पेन में पार्टिकुलरली, और उससे जो है कुछ भी आप लिख सकते हो अपने लैपटॉप वगैरह पे। टच स्क्रीन का सपोर्ट इसमें अच्छा खासा है, तो टच स्क्रीन की वजह से जो विंडोज़ का इंटरफेस है उस पर आपको कुछ खास प्रॉब्लम्स तो नहीं होने वाली है, और साथ में पेन को होल्ड करने का भी एक सपोर्ट मिलता है। ये सभी कुछ इनबॉक्स आता है, तो आपको ऐसे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है पेन वगैरह के लिए। इसीलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा कि एडिशनली कुछ आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक बार आपने लैपटॉप खरीद लिया सभी कुछ इनबॉक्स मिल रहा है, तो आपको ऐसे कोई भी चिंता यहाँ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ASUS का VivoBook जिस मॉडल नंबर के बारे में मैं बात कर रहा था TP470EA, इसका प्राइस है 65,490, जो कि सेल्स वगैरह में कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सेलर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अच्छी बात ये कि जितने भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया वो सभी कुछ को देखते हुए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बनता है इन माई ओपिनियन। लेकिन इससे और भी एक अच्छा लैपटॉप है इसी प्राइस पे और ऑलमोस्ट सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आता है, वो है HP का Pavillion x360। इसका मॉडल नंबर है DW1038TU। इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है स्पेक्स पे चर्चा वाला का, चाहो तो आप जाकर वो वाला भी देख सकते हो। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स भी पूछ रहे थे कि इन दोनों के बीच में पार्टिकुलरली अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन सा बेटर रहेगा, और मुझे लगता है कि अभी ये जो HP वाला है इसका प्राइस थोड़ा कम हो गया है, ऑलमोस्ट 64,000 अभी हो गया है, और ये आपको मिल रहा है करीब करीब थोड़ा सा ज़्यादा पैसे देकर 65,490। तो मुझे लगता है कि अभी आज की डेट में अगर आप खरीदते हो तो HP वाला भी खरीद सकते हो, क्योंकि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन और स्पेसिफिकेशन पूरा देखो तो कोई भी अंतर नहीं है। बस एक प्रॉब्लम यह है कि HP वाले में आपको साथ में पेन नहीं मिलती है, वो एक समस्या है। और हाँ एक और भी ड्रॉबैक मुझे HP में लगता है, वो है रैम की फ्रिक्वेंसी जो HP में है वो 3200 MHz की है, और साथ में जो ASUS का VivoBook Flip 14 है इसमें आपको देखने को मिल जाता है 4267 MHz का RAM, जो कि अपने आप में काफ़ी यूनिक बनाता है इस प्रोडक्ट को। और ऐसे अगर आप बेसिक कंपैरिजन करके देखो तो विनर यहां पर ASUS बन जाता है, लेकिन HP का प्राइस थोड़ा कम है ना, तो मुझे लगता है कि आज भी मैं HP को ज़्यादा प्रेफर इसलिए करूँगा क्योंकि HP की सर्विस ASUS से काफ़ी बेटर है। ASUS का ये लैपटॉप और HP का जो लैपटॉप मैंने बताया दोनों ही आपस में टाइप होते हैं, मैं किसी को भी विनर या लूज़र नहीं कह सकता हूँ। फिलहाल आपको अच्छी रैम थोड़ा चाहिए तो ASUS एरे ओपिनियन में यहाँ पर विनर बनता है, क्योंकि उसमें अच्छी रैम लगी हुई है, थोड़ी एडवांस्ड रैम लगी हुई है। लेकिन हमें अगर सर्विस को भी कंसंट्रेट करना है कि सर्विस किसकी अच्छी है या नहीं है, तो हमें HP के साथ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों में ही टाई होता है, और ऐसा बहुत ही कम होता है कि दो लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन ऐसे सेम टू सेम है कि यहाँ पर डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। स्पेशली अगर आप यहाँ पर आपकी चॉइस क्या है ना, वो इसी पर डिपेंड करता है। एक बात मैं कहूँगा कि ASUS का जो डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है, और वेट फैक्टर भी थोड़ा कम है, तो अगर आपको स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए
साथ में एक्टिव पेन वगैरह भी चाहिए, तो वो सभी को कंसीडर करते हुए आपको एसुस लेना चाहिए। और अगर आपको सर्विस क्वालिटी वगैरह अच्छी चाहिए तो आपको HP Pavillion x360 ये 2-in-1 वाला लैपटॉप वो लेना चाहिए। अगर आपको ये दोनों ही ब्रांड पसंद नहीं है तो डेल की तरफ से भी एक 2-in-1 लैपटॉप आता है 5406, उसका भी एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, जाकर आप चाहो तो देख सकते हो। प्रॉब्लम उस लैपटॉप में क्या है कि ना ही उसमें IPS ग्रेड का पैनल है और ना ही कुछ अच्छा मुझे वैल्यू लगता है, क्योंकि वो 70,000 के ऑलमोस्ट है। तो वो लैपटॉप को मुझे यहाँ कंपैरिजन लिस्ट में रखने का कोई मतलब नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस की बात हो रही है, तो डेल का वो पुअर सा स्पेसिफिकेशन यहाँ पर सुटेबल नहीं बनता है। और साथ में अगर आप कोई टैबलेट वगैरह खरीदना चाहते हो इसी प्राइस पॉइंट पे, तो सैमसंग का गैलेक्सी टैब 7 प्लस जो S7 प्लस आता है वो भी है। लेकिन क्या है ना कि देखो, आप टैबलेट और लैपटॉप को कंपेयर तो नहीं कर सकते हो, वो इसलिए क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी बेहतर है, एमोलेड वगैरह का डिस्प्ले आपको वहाँ देखने को मिलता है। तो अगर आपका बजट थोड़ा और अच्छा है 80,000 तक का और आपको बहुत अच्छा खासा यूज़ नहीं करना है, तो यस, अगर ऐसे सिर्फ मूवी ही देखना है बैठ के, तो टैबलेट इज़ फार बेटर ऑप्शन। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने ऐसा क्वेश्चन करके रखा हुआ था कि क्या हमें इसी प्राइस पर अगर टैब मिल रहा है तो वो लेना बेटर रहेगा। देखो, यहाँ पर जो है i5 का 11th जनरेशन का प्रोसेसर लगा है, साथ में वो आयरिस एक्सी का 4GB का ऑलमोस्ट ग्राफिक कार्ड के साथ में आता है, तो यहाँ पर आपको ग्राफिक वर्क के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा, जबकि टैबलेट में वो सब काम आप कर नहीं सकते हो। टैबलेट इज़ जस्ट फॉर अ बिजनेस पर्पस यूज़, और ऐसे आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो जस्ट मूवी वॉचिंग, ब्राउजिंग और इन सब के लिए। कोई भी प्रोडक्टिविटी वर्क आप गैलेक्सी के सैमसंग टैब S7 प्लस में नहीं कर पाओगे, जो आप ये ASUS के VivoBook Flip 14 में कर सकोगे बड़ी ही आसानी से। फॉर एग्ज़ाम्पल, फोटोशॉप या Adobe Illustrator को यूज़ करने इसमें बहुत ही अच्छा जो है मैकेनिज़म हो सकता है, क्योंकि आपको साथ में पेन वगैरह मिल रहा है, तो आप ऑन द गो जैसे ही जिस दिन ये प्रोडक्ट रिसीव करते हो उसी दिन से अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है कि अगर आप कोई ऐसे टैबलेट में लेकर अगर डिज़ाइनिंग करना चाहो, क्योंकि वहाँ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए डिसलाइक करो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्यों नहीं पसंद आए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी बहुत से ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो आने वाले हैं। साथ में मैं चैनल पर थोड़े और भी चीज़ों को लाने वाला हूँ, कुछ टेक टिप्स टाइप के, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह के टाइप की चीज़ें, और हाँ, यूट्यूब वगैरह पे कैसे आपको थंबनेल्स वगैरह डालें, इन सब के बारे में मैं यहाँ पर अभी आगे बात करने वाला हूँ। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करो जिनको भी कन्फ्यूज़न हो रही हो HP Pavilion X360 और ASUS VivoBook Flip 14 में कौन सा खरीदें। मैं बता ही चुका हूँ कैसा क्या करना है आपको। और हाँ, जाते जाते थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।